नमस्कार साथियों, तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में। ठीक है, इसके सभी पक्षों में को हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्पसंख्यक की परिचय के बारे में इसके। तो जैसा कि आपको पता होगा, भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी स्थिति बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है। भारत विविधताओं का देश है। इसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी स्थिति बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का विशद विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि परिभाषा क्या है, आखिर अल्पसंख्यक कहते किसे हम लोग। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, इस पॉइंट को याद रखना है आपको। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। कई बार पॉइंट के रूप में पूछ लेता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। परंतु इसे दो परिस्थितियों, किसी व्यक्ति के धर्म व भाषा हेतु प्रयोग किया गया। केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1952 में 6 अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख व जैन को चिन्हित किया है। जैनियों को इसमें 2014 में जोड़ा गया है। तो भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं, समुदाय हैं 6। कौन कौन से? मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख व जैन। जैनियों को 2014 में जोड़ा गया है सबसे बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं इनकी, उनके बारे में। सबसे पहले है पहचान की समस्या। इतिहास, पृष्ठभूमि, सामाजिक, सांस्कृतिक सभ्यताओं की विभिन्नता के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों में सर्वत्र पहचान की समस्या रहती है। उन्हें बहुसंख्यकों से सामंजस्य स्थापित करने की समस्या उत्पन्न होती है। फिर बात करते हैं सुरक्षा की समस्या। भिन्न पहचान व समाज में अपेक्षाकृत कम संख्या में जीवन हानि व संपत्ति हानि का भय उत्पन्न करती है। अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक में इस प्रकार की समस्या सामाजिक स्थिति को और जटिल बना देती है। पर्याप्त क्षमता की समस्या। समाज का अल्पसंख्यक वर्ग विभेदन के कारण अवसर का लाभ उठाने से वंचित रहा। भिन्न पहचान के कारण भी अल्पसंख्यकों असमानता की अवधारणा ने जन्म ले लिया। फिर आपका पिछड़ापन। अल्पसंख्यक समुदाय समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। सच्चा समिति की रिपोर्ट को आधार माने तो मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से भी बुरी है। यह समस्या अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित होने हेतु अधिक सुविधा बनाती। फिर बात करते हैं प्रतिनिधित्व की समस्या। 17वीं लोकसभा में 90.4% संसद हिंदू है, जबकि 5.2% मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय मात्र 4% है। भारतीय अफसरशाही में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मात्र 2.5% है। ये आपकी सच्चा समिति के अनुसार है। ठीक है, 90.4% आपके सांसद हिंदू है, 5.2% मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय में से मात्र 4% है। भारतीय अफसर शाही में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मात्र 2.5% है। कितना? 2.5, 2.5%। फिर स्पष्ट परिभाषा। अल्पसंख्यक शब्द की स्पष्ट अस्पष्ट परिभाषा एक बड़ी समस्या को जन्म देती है। यह सरकारी योजनाओं के लागू होने में त्रुटियों में बढ़ोतरी करती है। हाल ही में संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका लंबित है। उपयुक्त समस्याएं अल्पसंख्यकों में विश्वास घाटे व जन्म देती हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता हेतु खतरा बनकर क्षेत्रवाद व संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है। अल्पसंख्यकों को सहायता व संरक्षण मिला हुआ है, उन्हें देख लेते हैं। भारतीय संविधान, कानून तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब अल्पसंख्यकों को भारतीय
भारत में विशेष संरक्षण व सहायता प्राप्त है। सबसे पहले बात करते हैं संविधानिक संरक्षण, मूल अधिकारों के अंतर्गत संरक्षण। अनुच्छेद 29(1) में यह नागरिकों के किसी अनुभव को, अपनी बोली, भाग, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1) किसी अल्पसंख्यक की अपनी बोली हो, परिभाषा हो या लिपि हो, किसी समुदाय की संस्कृति उसे सुरक्षित करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 30(2) राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं भाग, संविधान के भाग 17 में राजभाषा के अंतर्गत संरक्षण। अनुच्छेद 347 नागरिकों के सी अनुभाग को द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान। नागरिकों के जो अल्पसंख्यक के नागरिक हैं उनके द्वारा बोली जाने भाषा से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्वयं स्वर प्रमातृभाषा में शिक्षण हेतु सुविधा है इनके लिए। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष पदाधिकारी व उनकी शक्तियां बकार दिए गए इसमें। फिर है आपका विधिक संरक्षण। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952, यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं। ये सभी क्या होंगे? अल्पसंख्यक समुदाय से, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। वक्फ अधिनियम यह मुस्लिम समुदाय दान से संबंधित अधिनियम है। केंद्रीय वक्फ परिषद एक सांविधिक निकाय है जो भारत में सभी वक्फों के प्रशासन को प्रबंधित करता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा स्वेच्छा से दी गई चल या अचल संपत्ति होती है जो धार्मिक या सेवार्थ उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त होती है। यह दान मुसरत उल खिदमत के नाम से जाना जाता है। दानकर्ता को वक्फ के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। यह अधिनियम 2014 के पूर्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर विस्थापित हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता नियमों में छूट देता है। 12 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया है, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध हैं। इनमें हिंदू के अतिरिक्त अन्य भारत में भी अल्पसंख्यक हैं। फिर आपके कार्यकारी विशेष अधिकारी विधिक उपायों के अतिरिक्त केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों, विभागों व समितियों के द्वारा अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देती है। 2006 में अल्पसंख्यक संबंधी मुद्दे व विशेष ध्यान हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया। विदेश मंत्रालय हज समिति संबंधित मुद्दों का भी निवारण करता है। मानव संसाधन व विकास मंत्रालय अल्पसंख्यकों की शिक्षा व बुनियादी विकास हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का परिचालन करता है। अन्य निकायों की बात करें तो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग, यह भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों के संरक्षण हेतु निर्मित एक सांवैधानिक निकाय है। यह भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु ना ही है, इसमें एक अध्यक्ष, यह भाषाई अल्पसंख्यक हेतु है, इसमें एक अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष व सभी सदस्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूह से होना आवश्यक है। क्या है आपका? भाषाई अल्पसंख्यक जो भाषाई है उनके लिए नहीं है, ठीक है, इनके लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए।
इसमें आपका अध्यक्ष का सभी सदस्यों का धार्मिक अल्पसंख्यक समूह से होना आवश्यक है। फिर आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त कॉरपोरेशन, यह निकाय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों हेतु आर्थिक व विकासात्मक गतिविधियों का बढ़ावा देना। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय नियम, नागरिक व राजनीतिक अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र के 27वें अनुच्छेद में अल्पसंख्यक अधिकार का संरक्षण है, तथा भाषाई, धार्मिक, निजातीय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक व्यक्ति के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में भी नियमों व अधिनियमों का समुच्चय है जो अल्पसंख्यक संबंधी विधि बनाने की पूर्व किसी राज्य को निर्देश हेतु सहायक है। अब बात करते हैं योजना विवरण के बारे में, जो इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में। उस्ताद, यह अल्पसंख्यकों के परंपरागत कला के संरक्षण व उनके कौशल हेतु विकास हेतु है। हमारी धरोहर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत का संरक्षण। नई मंजिल, मदरसा छात्र व मुख्य धारा छात्र के मध्य कौशल अंतराल को कम करने हेतु है। सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यक के सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के मध्य रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से कौशल विकास आधारित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पर आपकी नई रोशनी एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास। अन्य योजनाओं की बात करें तो जियो पारसी, पटो परदेश, नालंदा योजना, अल्पसंख्यक साइबर ग्राम, प्रधानमंत्री 15 बिंदु प्रोग्राम, मौलाना आजाद सेहत योजना। आगे की राय क्या है? तो याद रखना, भारत में बहुत से नियमों प्रावधानों के उपरांत भी अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार आदर्श है। राष्ट्र की एकता व अल्पसंख्यक विकास हेतु सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो चलिए, था आपका अल्पसंख्यक से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल। ठीक है।